हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कारा के स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो पूरा देखें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा 2011, 2013, 2017 में शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा चुका है। लेवल डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, उसका एलएस 2016 में पूछा गया है। न्यूक्यूल ऑफ कारा 2018 में पूछा गया है। लाइफ साइकिल ऑफ कारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, ये भी कारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर हम कारा के जनरल फीचर की बात करें तो कारा की टोटल 188 स्पीसीज वर्ल्ड में मिलती हैं और इंडिया में सिर्फ 30 स्पीसीज कारा की मिल रही हैं। कारा एक मल्टीसेलुलर और मैक्रोस्कोपिक एल्गा है। इसकी हाइट लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। कारा फ्रेश वाटर में मिलता है, शैलो वाटर पॉन्ड्स में मिलेगा और लेक्स में भी कारा पाया जाता है। कारा की स्पीसीज जो एल्कलाइन वाटर में मिलती है वो है कारा बैलेटिका और एक कारा की स्पीसीज कारा फ्रैगरिलिस हॉट स्प्रिंग्स में मिलती है। कारा की जो स्पीसीज हैवी वाटर में मिलेगी उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से कारा को स्टोन वॉल्स भी कहते हैं। कारा की प्लांट बॉडी मेन एक्सिस और राइजॉइड सिस्टम में डिवाइड होती है। ये मेन एक्सिस है, ऊपर का सिस्टम जो है, और नीचे का राइजॉइड है। राइजॉइड मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और इनमें ऑब्लिक सेप्टा मिलता है जो कि कारा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कारा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कारा क्लोरोफाइसी ग्रुप का मेंबर है जो कि ऑर्डर कारेल्स में आता है और फैमिली इसकी है कारेसी। स्मिथ ने कारा को कैरोफाइसी क्लास में रखा जो कि डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर आता है। अगर हम कारा के सिस्टम की बात करें तो कारा में कुछ ब्रांच मिलती हैं, उनको ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। इसके अलावा स्टिपुलोट्स कारा में मिलते हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। इनको प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, इनको लीव्स भी कहा गया है और इनको ब्रांचलेट्स भी के नाम से भी जाना जाता है। कारा में जो ब्रांचलेट्स हैं यानी कि लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच हैं, ये एक वॉल के फॉर्म में अराइज होंगी और लगभग 6 से लेकर 16 तक एक नोड से, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के नोड से 6 से 16 तक वॉल्स में अराइज होती हैं या फिर ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस के नोड्स पर मिलती हैं। इनकी ग्रोथ की जो लिमिट होती है वो 5 से लेकर 15 नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड रहती है, यानी कि एक ब्रांच जो लिमिटेड ग्रोथ की है उस पर 5 से लेकर 15 तक नोड्स या इंटर नोड्स मिल सकते हैं। नोड्स पर यूनिसेलुलर फिलामेंट्स लगे रहते हैं जिनको स्टिपुलोट कहते हैं और नोड्स पर ही सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन आप ध्यान रखिए हमेशा ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर ही मिलेंगे। जो छोटी ब्रांचेस हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है उनके नोड पर ही सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। उनके नोड पर स्टिपुलोट होते हैं और स्टिपुलोट के ऊपर साइड में और नीचे साइड में फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की, तो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के एक्सिल से अराइज होती हैं, यानी कि ये जो ब्रांच लिमिटेड ग्रोथ है इसका एक्सिल से ही अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच अराइज होगी। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस में भी नोड्स और इंटर नोड डिवाइडेड रहते हैं। स्टिपुलोट, जैसा कि मैं बता चुका हूं, स्टिपुलोट यूनिसेलुलर होते हैं और ये लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच के नोड्स से निकले रहते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में जो मेन एक्सिस है वो एपीजियल होता है, यानी कि वो सॉइल के सरफेस के ऊपर मिलेगा, वो लॉन्ग होगा, ब्रांच्ड होगा और वो नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड रहेगा। दो नोड के बीच के पोर्शन को इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड में दो टाइप की सेल्स मिलती हैं,
सेंटर में एक्सियल सेल मिलेगी और एक्सियल सेल्स के बाहर कॉर्टिकल सेल्स मिलेंगी। नोड के ऊपर जो सेल्स मिलेंगी कॉर्टिकल सेल्स, उनको एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहेंगे, और नोड के जो नीचे मिलेंगी उनको हम डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहेंगे। ये नोड है, इन नोड्स के ऊपर जो मिलेंगी उनको एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कह रहे हैं और नीचे वाली को डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कह रहे हैं। नोड की अगर हम बात करें तो नोड में सेंट्रल पेयर ऑफ सेल्स होंगी और उनके चारों तरफ 6 से लेकर 20 तक पेरिफेरल सेल्स मिलेंगी, यानी कि सेंट्रल पेयर ऑफ सेल्स और पेरिफेरल सेल्स से मिलकर एक नोड का निर्माण होता है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एमाइलम स्टार, रूट बल्बिल्स, एमोरफिलस बल्बिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है। एमाइलम स्टार कारा की स्पीसीज कारा स्टेलिजेरा में मिलता है। इसमें बेसल नोडल सेल से एक इररेगुलर फैशन में स्टार शेप सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन सेल्स में एमाइलम स्टार्च फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से इसको एमाइलम स्टार कहते हैं। स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी शेप स्टार के फॉर्म की होती है और इनमें एमाइलम स्टार्च फिल्ड रहता है, इसीलिए इसको एमाइलम स्टार्स कहते हैं। रूट बल्बिल्स कारा की स्पीसीज कारा एस्पेरा में मिलेगा। इसमें ओवल या स्फेरिकल बल्बिल्स का डेवलपमेंट राइजोइड से होता है। एमोरफिलस बल्बिल्स कारा डेलिकेटुला स्पीसीज में मिलेगा, जिसमें कि लोअर नोड से सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, जिससे एमोरफस बल्बिल्स फॉर्म्ड होते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन राइजोइड की बेसल सेल से या फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से होता है। ये सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मेन प्लांट से डिटैच होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली एडवांस ओगैमस टाइप का मिलेगा। कारा के सेक्स ऑर्गन मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनको आंखों से देखा जा सकता है, और ये सेक्स ऑर्गन ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर मिलते हैं। ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का एक पोर्शन है, जिसमें नोड के ऊपर न्यूक्यूल और लोअर साइड में ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्यूल को ऊगोनियम भी कहते हैं और ग्लोब्यूल को एंथ्रीडियम कह रहे हैं। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। न्यूक्यूल हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर फॉर्म्ड होता है। कारा की स्पीसीज ज्यादातर मोनोशियस होती हैं। मोनोशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट्स पर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिलना, लेकिन कारा की कुछ स्पीसीज डायोशियस भी होती हैं, जिसमें कि एग्जांपल है कारा वालीची। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पर मिलते हैं। अगर एंथ्रीडियम यानी कि ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो मैच्योर एंथ्रीडियम लार्ज स्फेरिकल शेप का होता है, जो कि रेड या येलो कलर का दिखाई देता है। इसकी वॉल 8 शील्ड सेल्स से मिलकर बनी होती है। ये शील्ड सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये एक टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर है। 4 शील्ड सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इनके पीछे भी 4 शील्ड सेल्स होंगी, क्योंकि ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इन शील्ड सेल्स के सेंटर से एक रॉड शेप सिलेंड्रिकल सेल्स मिलती है, जिसको मैनुब्रियम कहते हैं। मैनुब्रियम के अंदर प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती हैं। एक मैनुब्रियम से एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल जनरेट होती है। प्राइमरी कैपिटुलम सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स जनरेट होती हैं। प्राइमरी कैपिटुलम सेल को मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया है और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स को पर्पल कलर से दिखाया है, यानी कि बैंगनी रंग से जो सेल्स बनी हुई हैं ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं। एक सेकेंडरी कैपिटुलम से 2 से 4 मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स का जनरेशन होता है, जिसको एंथ्रीडियल फिलामेंट कहते हैं। एक फिलामेंट में लगभग 250 यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, जिनको स्पर्म मदर सेल कहेंगे। इन्हीं स्पर्म मदर सेल से बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये 2 फ्लैजेला वाला कॉइल्ड एंथ्रोजॉइड है, जिसका फॉर्मेशन इन स्पर्म मदर सेल से हो रहा है।
एक एंथ्रीडियम में लगभग 20,000 से लेकर 50,000 तक एंथ्रोजॉइट्स मिल सकते हैं। ऊगोनियम, जिसको न्यूक्यूल भी कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो ऊगोनियम एक ओवल स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट स्टॉक से जेनरेट होता है। इसमें 5 ट्यूब सेल्स मिलती हैं जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में अरेंज रहती हैं। इन ट्विस्टेड फॉर्म में सेल्स के अरेंज होने की वजह से ये एक आर्किगोनियम की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि एक एडवांस फीचर है एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी शील्ड सेल्स नहीं मिलती है, लेकिन कारा में यहाँ पर ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से एक शील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है, जिसकी वजह से ये एक एडवांस फीचर शो करता है जो कि ब्रायोफाइट के आर्किगोनिया से मिलता जुलता है। न्यूक्यूल के टॉप पर 5 कोरोना सेल्स मिलती हैं। न्यूक्यूल के सेंटर में एक यूनिन्यूक्लिएट एग सेल प्रेजेंट रहती है। इसके न्यूक्लियस को एग न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्यूल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में रहता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, ग्लोब्यूल में शील्ड सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, जिनकी वजह से एंथ्रीडियल फिलामेंट्स एक्सपोज हो जाते हैं। एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के एक्सपोज होने की वजह से स्पर्म मदर सेल्स वाटर में जिलेटिनाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइट रिलीज हो जाते हैं। मैच्योर ऊगोनियम में 5 जो ट्यूब सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और बीच में कुछ स्लिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्हीं स्लिट्स की मदद से बहुत सारे एंथ्रोजॉइट ऊगोनियम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। सिर्फ एक ही एंथ्रोजॉइट एग न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और फाइनली ऊ स्पोर यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ऊ स्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होता है और वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ट्यूब सेल्स की इनर वॉल भी थिक हो जाती है और शील्ड की वॉल डिके कर जाती है। ऊ स्पोर येलो, रेड और ब्राउन कलर का अलग अलग स्पीसीज में देखा गया है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर ऊ स्पोर वाटर बॉडी की बॉटम में सेटल हो जाता है और कुछ रेस्टिंग पीरियड के बाद में वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। कारा की स्पीसीज में जर्मिनेशन डार्क में नहीं होगा, यानी कि अंधेरे में कारा की स्पीसीज में जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता है। कारा की स्पीसीज में रेड और व्हाइट लाइट में ही जर्मिनेशन देखने को मिलता है। जायगोट यानी कि ऊ स्पोर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें मियोटिक डिवीजन मिलता है और मियोटिक डिवीजन के थ्रू वो 4 हैप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। इन 4 हैप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है और बाकी 3 न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं और इनके बीच में एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होने से प्राइमरी प्रोटोनिमा इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोनिमा इनिशियल नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। राइजोइडल इनिशियल से प्राइमरी राइजोइड का फॉर्मेशन होता है और राइजोइडल इनिशियल पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। अगर हम कारा के लाइफ साइकिल की बात करें तो कारा एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, यानी कि कारा की स्पीसीज हैप्लॉइड होगी और इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगी। कारा की लाइफ साइकिल में जायगोट डिप्लॉइड स्टेज को शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट बल्बिल्स, एमाइलम स्टार्स, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और एमोर्फस बल्बिल्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उससे एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्यूल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको ऊगोनियम भी कहेंगे उससे एग सेल का फॉर्मेशन होगा। एग सेल और एंथ्रोजॉइट फर्टिलाइज करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक डिप्लॉयड स्टेज है। जायगोट में फर्दर मियोसिस और डेवलपमेंट से प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है और प्रोटोनिमा से मेन हैप्लॉइड कारा प्लांट का फॉर्मेशन
होता है। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस ओगैमस टाइप का होता है। कारा की स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई सजेशन या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जरूर लिखें। थैंक यू।